नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के बोरीवली विधानसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। जी आपको बता दें कि इस सीट पे इसके पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने सुनील राणे को मौका दिया और सुनील राणे ने इस मर्यादा को बरकरार रखते हुए एक बार फिर बोरीवली विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुनील राणे विनोद तावड़े के जैसा ही विधानसभा से गायब रहेंगे या फिर जनता के बीच 100% उपस्थिति देकर जनता का काम करेंगे। मेरी पहली प्रतिक्रिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री अमित भाई शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री देवेंद्र जी, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखते हुए मुझे बोरीवली में उम्मीदवारी दी और पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से जुड़े हुए विषय को समझने वाला, लड़ने वाला ऐसे एक सामान्य कार्यकर्ता को हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मौका दिया और उस मौके के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महागठबंधन का उम्मीदवार बन के बोरीवली में उतरा। पिछले 20 दिनों में लगातार प्रचार के माध्यम से यहाँ के हमारे सांसद, हमारे मार्गदर्शक श्री गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर चुनाव लड़ा और विजय भी हासिल किया। आप सबको पता होगा कि मतदान की आंकड़ेबाजी कम हुई थी, 55%, यानी 54%, 90% हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन की जीत बोरीवली की ये 2014 से भी ज़्यादा हुई है।